वेलकम बैक टू माय चैनल वाइब्रेंट वर्षा। मैं हूँ वर्षा एंथनी और आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ भाकरी डाइट में। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। भाकरी किस चीज से बनती है? मिलेट से। आप मिलेट रोटी भी कह सकते हैं। तो मिलेट रोटी डाइट प्लान या हम इसे कहेंगे भाकरी डाइट प्लान। आप कौन से मिलेट्स आप यूज कर सकते हो भाकरी बनाने के लिए या रोटी बनाने के लिए? आप यूज कर सकते हो जोवा, बाजरा, या आप यूज कर सकते हो रागी, और बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। और भी ऑप्शन देना चाहूंगी तो बानियान राइस भी आप इसमें यूज कर सकते हो, या आप इसमें कीनवा का आटा भी यूज कर सकते हो। यस, कीनवा के आटे की रोटी भी आप खा सकते हो। जोवा, बाजरा, रागी एंड बानिया राइस यानी कि भगर, ये ग्लूटेन फ्री ग्रेन है। इस सभी मिलेट्स का जीआई इंडेक्स यानी कि शुगर कंटेंट इसमें बहुत ही कम है, इसीलिए ये एक बेटर ऑप्शन है वीट और राइस से। अगर आप वीट और राइस प्रिफर ना करें और उसकी जगह पे ये सारे ग्रेन्स आप रोजाना आपके डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। आप जब कभी रोटी खाते हो लंच में, डिनर में, या आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान फर्स्ट मील और या आपका सेकंड मील में रोटी खाओगे तो आपको बानियान राइस या जोवार, बाजरा, रागी, इन ग्रेन से बनी हुई रोटी अगर आप खाते हो तो आपका वेट लॉस फास्ट होगा। वन मीडियम रोटी अगर आप जोवार, बाजरा, रागी या बानियान राइस की बनाते हो तो अप्रोक्सीमेटली उसमें 100 to 125 कैलोरीज आपको उसमें से मिलती है। अप्रोक्सीमेटली 100 to 125 कैलोरीज वीट की रोटी में भी होती है। व्हाई मिलेट रोटी इज बेटर देन वीट रोटी? द रीजन इज दिस कि इसमें कार्ब्स कंपैरेटिव टू गेहूं एंड राइस कम है, इसमें प्रोटीन कंपैरेटिव टू गेहूं एंड राइस ज्यादा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट फैट परसेंटेज कंपैरेटिव टू राइस एंड गेहूं मिलेट्स में काफी कम है, इसीलिए मिलेट रोटी इज द बेस्ट ऑप्शन देन वीट एंड राइस। तो आप जब कभी प्रिफर करोगे रोटी खाना, आप मिलेट रोटी का ही इस्तेमाल कीजिए। और मिलेट रोटी कैसे बनानी है मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए, बाजरा रोटी कैसे बनाते, ज्वार का रोटी कैसे बनाते, नाचनी यानी कि रागी की रोटी कैसे बनाते हैं, तो आप सारे वीडियोस चेक कीजिए तो आप रोटी आसानी से घर में बना सकते हो और सब 5 to 10 मिनट्स में बन जाती है। तो आइए शुरू करते हैं भाकरी डाइट प्लान या मिलेट रोटी डाइट प्लान। मॉर्निंग में एंटी स्टमक आप ले सकते हो डिटॉक्स वाटर। आपने मेरे सारे डिटॉक्स वाटर के वीडियोस देखे ही होंगे, नहीं देखे तो जरूर देखिए, उसमें से आपको जो पसंद होगा वो आप डिटॉक्स वाटर ले लीजिए। भाकरी डाइट प्लान या मिलेट रोटी डाइट प्लान आपने करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग पैटर्न में। जब कभी आप फर्स्ट मील प्रिफर करते होगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 9 o'clock प्रिफर करते हो तो आपका लास्ट मील 5 o'clock होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट मील 10 o'clock है तो आपका लास्ट मील 6 o'clock होना चाहिए, क्योंकि आपको 16 आवर्स का फास्टिंग करना है एंड 8 आवर्स का आपको खाने के लिए विंडो ओपन रखना है। तो आपको जो भी खाना खाना है, आपके दोनों मील प्लस स्नैक्स, आपको सारी चीजें ये 8 आवर्स की विंडो में ही खानी है। आपका फर्स्ट मील का टाइम अकॉर्डिंग टू आपके प्लान के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए। मैं प्रिफर करती हूँ 9 to 10 o'clock के बीच में, तो मैं उस हिसाब से आपको डाइट प्लान देती हूँ, आप आपके टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट कीजिए। मॉर्निंग में फर्स्ट मील में आपने लेना है जोवा, बाजरा या रागी या बानियान राइस की रोटी। अगर आप मल्टीग्रेन आटा यानी कि जोवार, बाजरा एंड रागी की रोटी मिक्स करके भी इसकी एक रोटी बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। इसके साथ आप जो भी सब्जी आपको पसंद हो आप ले सकते हो। अगर आपको स्प्राउट्स लेना है तो मॉर्निंग मील में ही लीजिए, बट इवनिंग मील में आप स्प्राउट्स ना लें, क्योंकि स्प्राउट्स थोड़े हेवी होते हैं डाइजेस्ट के हिसाब से। या तो आप ले सकते हो ग्रीन वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल ऑलवेज बेस्ट। आप दाल पालक ले सकते हो, मेथी दाल ले सकते हो, या कोई भी ग्रीन वेज जो आपको पसंद हो। कोई भी सब्जी वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन बनाते वक्त आपने ऑयल का ध्यान रखना है, ऑयल काफी लेस यूज करना है या नो ऑयल भी आप कर सकते हो। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ले सकते हो फिश या चिकन।
इसके साथ आप प्रिफर कर सकते हो सैलेड या आप ले सकते हो रायता। आपने मेरे रायता के सारे वीडियोस चेक किए रहेंगे, नहीं किए जरूर देख लीजिए। मिड ब्रेक में आपको भूख लगती है तो आप कोई भी स्नैक आइटम जैसे आप ओट्स ले सकते हो या आप ले सकते हो सूप ले सकते हो या कोई भी जिसमें कैलोरीज कम है ऐसे कोई भी एक आइटम आप प्रिफर कर सकते हो। और अगर एनी टाइम इफ यू फील हंग्री देन डेफिनेटली आपने लेना है फ्रूट्स, या तो आप ले सकते हो सैलेड जिसमें आप कैरेट कुकुम्बर टोमेटो तो इसका अनलिमिटेड यूज आप कर सकते हो। आपका जो लास्ट मील है उसमें भी आपने लेना है भाकरी एंड ग्रीन वेजिटेबल अलॉन्ग विद सैलेड और रायता। रायता लेते वक्त आपने लो फैट कर्ड का ही इस्तेमाल करना है। इन बिटवीन 8 आवर्स के विंडो में इफ यू आर अ टी पर्सन और कॉफी पर्सन देन आप ग्रीन टी प्रिफर कीजिए इफ यू आर अ टी पर्सन दैट टू विदाउट शुगर। अगर आपको मिल्की टी पसंद है तो आप मिल्की टी प्रिफर कर सकते हो लेकिन उसमें भी आप लेस शुगर या नो शुगर ही प्रिफर करें। इफ यू आर अ कॉफी पर्सन देन ऑल्सो यू कैन हैव ब्लैक कॉफी इवन मिल्की कॉफी नो प्रॉब्लम बट विदाउट शुगर और लेस शुगर। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के दौरान और क्या क्या ले सकते हैं। फास्टिंग पीरियड में आप ले सकते हो ग्रीन टी। आपने कुक फूड नहीं खाना है बट इफ यू स्टिल फील हंग्री तो आप सैलेड या आप प्रिफर करें फ्रूट। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग डाइट प्लान कैसे करते हैं या आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है तो आप मेरा हाउ टू डू द इंटरमीडिएट फास्टिंग का वीडियो जरूर देखें। भाकरी डाइट प्लान या मिलेट रोटी डाइट प्लान आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग के पैटर्न में करना है। मैंने आपको गाइड किया है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे करते हैं बट दोस्तों ये याद रखिए सिर्फ डाइट करना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको डाइट के साथ आपको वर्कआउट करना ही चाहिए। या तो वर्कआउट कीजिए या तो योगा कीजिए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपको मिनिमम 45 मिनट्स तक करना है भाकरी डाइट में। करते वक्त आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है जैसे पूरे दिन में आपको शुगर नहीं लेना है इन एनी फॉर्म। आप कोई भी प्रोसेस्ड या कैन फूड नहीं लोगे या कोई भी जंक फूड नहीं लोगे। पूरे दिन में आपको कभी भी भूख लगे तो आप प्रिफर करें कुकुम्बर या बेरीज या प्लम। पानी का इंटेक आप बढ़ाइए, मिनिमम 8 to 10 glasses ऑफ वाटर आप पीने की कोशिश। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि आप पा सकते हो मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स।